अम्मा बात हम बिल्लाह ही के शैतान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तेरी रहमतों से हम बेखबर हैं। अभी तो मैं तैयार नहीं था कि अली साहब ने की तकदीर कर दी है, मैं सोच रहा था कि मैंने क्या बोलना। बहरहाल तेरी रहमतों से हूँ बेखबर कि मेरी नजर का कसूर है, तेरी राह उधर पे कदम कदम कहीं अर्श है कहीं दूर है। ये वजह है वाली के दो जहां मेरी बंदगी में कसूर है, ये खता ही मेरी खता सही तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता के तुझसे मिलूं कहां, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, कहीं दिल की शर्त न डालना अभी दिल गुनाहों से चूर है। मेरे मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर डॉक्टर कबीर मोहसिन साहब, प्रोफेसर शेर अहमद सक्की साहब, प्रोफेसर आतिफ बुखारी साहब और प्रोफेसर राजा अशरफ साहब, जावेद साहब भी थे कि नजर भी आ रहे बहरल, और मेरे बहुत सारे सदीकी साहब, सारे मेरे उस्ताद हैं। जब मैं पहले यहाँ आना शुरू हुआ काफ़ी सालों की बात है, तो मुझको बहुत शर्म आया करती थी कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ और ये मुझे जब स्टेज पर दिखाया करते थे तो मैं यकीन कीजिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी फील होती थी कि वो उस्ताद जिन्होंने मुझे पढ़ाया था वो उधर बैठे होते थे और मैं इधर बैठता था, तो मैं इनको कहता था कि मुझे यहाँ ना बिठाएँ वहाँ बिठा दें, तो आपकी बड़ी अहम नवाजिश होगी। लेकिन बहरहाल उसी तरफ ये भी सोचा करता था कि अल्लाह का करम है कि जिसको चाहता है अदा कर देता है, कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा और उस कॉलेज पे जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो ये मुझे पता है कि मेरे जज्बात और एहसास क्या होते हैं। और मैं फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कॉलेज में दिया कि वो कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ के असातिज़ा इकराम मुझे बुलाकर इज्जत देते हैं, कि मेरे लिए बड़े इज्जत की बात है। इस कॉलेज से मेरा रब्ता जो है वो 1975 में जब मेरा दाखिला हुआ था उस वक्त से है, और ये जिस हाल में आप लोग बैठे हुए हैं ये हॉल इस हालत में नहीं था। मैंने उस वक्त खान अब्दुल कयूम खान तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ और वजीर दाखिला होते थे, और उस वक्त यहाँ इस्लामी जमीयत तलबा की यूनियन थी। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात थी कि खान आलम खान अब्दुल कयूम खान को एक ऐसी यूनियन के लिए बुलाया जाए तो इस्लामी जमीयत तलबा की थी, लेकिन मेरे प्रोफेसर ताहिर महमूद खान ने रिक्वेस्ट की, मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक था वालिद साहब की वजह से, तो उनको मैंने यहाँ यूनियन कोर्ट टेकिंग सेरेमनी में बुलाया और फिर उनसे एक डोनेशन लेके इस हाल को तामीर कराया। तो इस हाल के साथ मेरा ये वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। मैंने जब यहाँ से एसएससी की तो उसके बाद मेरा छोटा भाई सुनील कासिम जो रिटायर हुए हैं हाई कोर्ट से, वो यहाँ आया, उसने माशाल्लाह यहाँ की यूनियन में जनरल सेक्रेटरी और प्रेजिडेंटशिप की। फिर मेरी एक बहन ने यहाँ मास्टर उर्दू में की। फिर मेरा एक भाई आया और कि हमारा सारा खानदान जो था अजहरपाल कॉलेज से, इसलिए मेरा दिल जो है उस कॉलेज के लिए बहुत धड़कता रहता है। और मैं शुक्र गुजार हूँ हर प्रिंसिपल का कि वो मुझे बुलाते हैं और मुझे मौका मिलता है कि मैं यहाँ आकर अपने दिल की थोड़ी बहुत बातें करता चला हूँ, क्योंकि मैं सच्ची बात है समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा शोबा है इल्म का, कि इल्म जो है ये नबियों का पेशा है। कि पहली आयत भी अल्लाह ताला ने आपको एक बात बताऊँ कि पहली बार जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब फरिश्ते आए थे, अल्लाह ताला से जो पहला मुकाबला हुआ था वो यही था जब फरिश्तों ने कहा कि आप हमें क्यों सलाम करवा रहे हैं एक इंसान को जो मिट्टी से बनाया है। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की आयत है मेरी तरफ से नहीं है कि इसको जो इल्म है वो तुम्हें नहीं है, पहली आयत इतना इस पर मतलब अगर आप इनकी अहमियत देखें तो ये असाज़ा इकराम जो है ये जन्नतें कमा रहे हैं। अगर इनका एक तालिब इल्म भी निकल कर और लोगों की खिदमत करता है तो ये इतना बड़ा अल्लाह का एजाज़ है इन लोगों के लिए, क्योंकि जन्नतें जो है वो रात की इबादतों से नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के दिलों में उतरने से मिला करती हैं।
और मुझे इन क्रिकेटर्स की शौक है कि मुझे याद है कि जब मेरी वालदा इंडिया से आई, मुझे एहसास है जब मेरी वालदा इंडिया से आई, आप यकीन कीजिए वहाँ वो शहजादियों वाली जिंदगी, शोफर ड्रिवन गाड़ी और सब कुछ था। यहाँ आई तो भाभा बाजार की एक गली के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर से हमारा सफर शुरू किया। पहनने को कपड़े नहीं थे तो डंडे के कपड़े लाया करती थी, जमीन पे बिछाने को बिस्तर नहीं था तो टाट की चादरें बिछाया करती थी। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे इल्म हासिल करें और हम अपने खानदान में सबसे गरीब तरीन लोग थे। मेरी वालदा ने एक वक्त का खाना खाया और हमें पढ़ा लिखा कर इस जगह तक पहुंचाया कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमतें दी। किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत। और मैं अक्सर कहता हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी लुटती नहीं है बल्कि फैलाने से बढ़ती चली जाती है। और दौलत बड़ी बेवफा चीज़ है। मैंने बड़े बड़े लोगों को, और आपने भी देखा होगा बड़े बड़े लोगों को, कि जो कल ताजमहल में रहते थे, मैंने उसकी वालदा की मिसाल आपको दी कि वो जहाँ इंडिया में दिल्ली में जहाँ मुशर्रफ का घर था उसके साथ रहते थे, लेकिन जब यह आई तो बिल्कुल खाली हाथ आ चुकी थी। तो दौलत बड़ी बेफा चीज़ है। और आज आपको एक आखिरी बात मैं ये कहूँ कि आज जमाल नासिर जो कुछ भी है, जितनी अल्लाह ने इज्जत की है मेरे साथ कराम की वजह से है। मुझे याद है कि जब मैं सेंट पैट्रिक में पढ़ता था तो मेरे टीचर मुझे सुबह सुबह 0 मिनट में डंडे मारा करते थे, गुस्सा भी चढ़ता था। लेकिन आज जब एहसास होता है कि वो जो इसके बाद मैं मुस्लिम स्कूल गया, मुझे वहाँ भी डंडे पड़े, और सर्दी में 0 दिसंबर की बर्फानी आपको ठंडी पिछड़ी होती, फिर मैं यहाँ आया सेवाल कॉलेज में, तो यहाँ मेरे प्रोफेसर नजीब साहब थे, प्रोफेसर इफ्तिखार साहब थे, वो रोज़ाना क्लास में बुला के मेरी तबीयत साफ किया करते थे। कभी कहते थे बटन सही करो, कभी कुछ कहते थे, और मुझे गुस्सा चढ़ता था उस खुदा पर, मैं पढ़ा करता था जिसकी वजह से आज मैं डॉक्टर बन गया। और जब मैं आया तो उस वक्त मुझे प्रोफेसर अहमद नगीनी, प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद बेग, प्रोफेसर अरशद और बड़े बड़े प्रोफेसरों का, जलाली कामरान साहब उस वक्त प्रिंसिपल होते थे, तो ये बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ मेरी बड़ी और मुझे लाइट पड़ती रही। और अल्लाह ताला ने मुझे आज यहाँ उन टीचों की बदौलत, एक बार मैं अपनी सिटी लैब में काम कर रहा था, यही वजह था जब आप अक्सर सवाल करते हैं कि मैं क्यों कॉलेज के और असाज़ा काम के अपने लेबॉरेटरी में इज्जत करता, उसकी वजह ये कि एक दिन मेरे एक स्कूल के टीचर आए जो मुझे प्राइमरी में पढ़ाते थे, तो पूरी लेबॉरेटरी भरी हुई थी। आप यकीन कीजिए इस प्राइमरी स्कूल के टीचर के कपड़े आपको पता है कैसे होते हैं। यही बदकिस्मती है इस माशरे की कि जिन लोगों ने हमें बनाना होता है हमने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है। मैं गया, मैंने उनके पाँव पकड़े, पूरी लेबॉरेटरी देख ली थी, मैंने हाथ जोड़े, आप इस तरह किए, मैं कह सर आप तशरीफ लाए, मैंने उन्हें बिठाया, मेरे लेबॉरेटरी के बंदे आए, कहेंगे सर ये कौन बंदा था जिसकी आपने इतनी इज्जत दी? मैंने कहा ये वो आदमी थे जिन्होंने जमाल नासिर को बनाया, मैंने जमाल नासिर के साथ खराब के बिना कुछ नहीं था। और मैं हकीकत आज भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अच्छे अच्छे साथ दिए, और मैंने कोशिश की, बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। लेकिन जो प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं उनके लिए चार हिस्से शेयर के पढ़ूंगा कि वो शख्स अब याद नहीं मिलेगा, नहीं बहुत याद आऊँगा हर शख्स को जब मैं नहीं हूँगा, बहुत याद आऊँगा हर शख्स को जब मैं नहीं हूँगा, मगर फन है मेरा मौजूद तो मैं कब नहीं हूँगा, शहर टूटेगी आखिर चुनियों से मेरे हुजूर की, ये ऐसा जब ये हुआ ऐसा तब मैं नहीं हूँगा। तो ये चुनू है, ये तो कहते हैं यहाँ बैठे ख़त्म नहीं होगी, टीचर दिलों से नहीं जाते, हम अभी भी अपने टीचर का एहतराम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। असाज़ा कराम एक ऐसी चीज़ है कि ये जब चले दुनिया से भी चले जाएं तब भी याद रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको